हेलो गाइस, दिस इज सीए श्रीराम अग्रवाल। वेलकम टू सीए विद श्रीराम। आज अपन बात करेंगे मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस की। तो जैसे मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसे जो जिसका जो भी अटेम्प्ट हो, उससे पहले आप एक या दो मॉक टेस्ट सीरीज दे। उससे आपको हेल्प होगी कि आप जो आईसीआई एग्जाम में सीधे जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे उनको प्रिपेयर करना है, कैसे उनमें मार्क्स स्कोर करना है, आप 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी वो आपको एग्जाम से पहले आप मॉक टेस्ट में पहचान पाओगे उनसे, और उससे आपको हेल्प मिलेगी, आप क्लियर कर पाओ। मैंने जब आईपीसीसी दिया था और फाइनल दिया था, उससे पहले पहले मैंने मिनिमम 3-3 मॉक टेस्ट सीरीज दी थी। आईपीसी में मैंने 3 मॉक टेस्ट सीरीज दी, सीए फाइनल में 4 मॉक टेस्ट सीरीज दी थी। तो ये मॉक टेस्ट सीरीज काफी जरूरी हो जाती है क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलती है। हर मॉक टेस्ट सीरीज से आपको एडिशन मिलेगा कि आप 100 मार्क का अटेम्प्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स स्कोर नहीं हो रहे हैं। तो ये सब इश्यूज होंगे, आपको उसका पता चलेगा और उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं एग्जाम से पहले। नहीं तो ये इशू एग्जाम में आएंगे तो फिर बच्चे को दिक्कत आती है कि वो एग्जाम में इस इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाता है। तो अपन जैसे हमने यहाँ पे मॉक टेस्ट सीरीज फॉर नवंबर 21 स्टूडेंट्स का अनाउंसमेंट करने के लिए ये वीडियो बनाया है। तो जैसे हमने एक मॉक टेस्ट सीरीज बनाई है जिसमें अभी तक हमारे से 200 स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो अभी अपन बात करते हैं, जैसे ये जो पेपर्स हम और सजेस्टेड आंसर हम बना रहे हैं आईसीआई पैटर्न के हिसाब से, जो पेपर की इवेल्यूएशन वो स्टेप वाइज मार्किंग जैसे आईसीआई में होती है उसी तरीके से स्टेप वाइज मार्किंग होती है पेपर्स की। और पेपर्स में हर क्वेश्चन के बाद में स्टूडेंट को मिलेगा कोई इंप्रूवमेंट की जगह, या जहाँ पे इंप्रूव हो सकता है, या कोई इश्यू जहाँ पे वो लिख नहीं रहा है, या कोई कहाँ पे उसके मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं उसका कोई रीजन क्या है, कोई डाउट आ रही है स्टूडेंट को कोई सब्जेक्ट में, तो भी वो हम क्लेरिफाई करते हैं। और मेंटरिंग प्रोग्राम हमने मॉक टेस्ट सीरीज के साथ फ्री रखा है, जब तक स्टूडेंट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक वो हमसे मेंटरिंग फ्री में ले सकता है जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है उनके लिए। उसके बाद में जो कॉपीज है वो हम नेक्स्ट डे ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जैसे यहाँ या कोई इशू हुआ तो हम मैक्सिमम 3 डेज के अंदर वो कॉपी किसी भी हालत में बच्चे को सेंड कर देते हैं ताकि वो बच्चे को जल्दी से जल्दी अपनी गलतियों का पता चले और वो उसको इम्प्रूव कर पाए। उसके बाद कोई भी हमें क्लेरिफिकेशन वगैरह अगर आपको अभी भी होता है तो हमारे मैंने नीचे जैसे मेरे मोबाइल नंबर डाले हैं, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये फीस स्ट्रक्चर हमने इस तरीके से रखा, अगर एक सीरीज ज्वाइन करता है, अगर 1 ग्रुप का ज्वाइन करना है तो 600 रुपीज फीस है वो, जो कि बहुत नॉमिनल फीस रखी हमने। आप देख सकते हैं ये 1 सीरीज 2 सीरीज और 3 सीरीज की कॉस्ट है जो कि काफी नॉमिनल हमने रखी है, इससे कम नहीं हो सकती थी वो। उसके बाद में जो पेमेंट मोड है हमने इसमें रखा है कि आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। और जिसको भी अगर ये मॉक टेस्ट सीरीज में रजिस्टर करवाना हो उसके लिए हमने जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक डाला है, उससे आप वहां से गूगल फॉर्म भर के हमारे यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो मैंने मोबाइल नंबर डाले हैं, टेलीग्राम का भी लिंक है और यूट्यूब का भी लिंक है, तो आप ये टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहां कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर मैंने आपको दिए वहां पे आप डाउट पूछ सकते हैं, वहां पे आप कोई मैसेज कर सकते हैं, मेरे को फोन भी कर सकते हैं। आप आराम से जब भी हो आपको इश्यू हो तो उसी वक्त आपका 24/7 आप कॉल कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा आपका जब भी इश्यू आए उसी वक्त आपका इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। ये मैंने एक सैंपल कॉपी डाली है एक स्टूडेंट की जिसके डीटी में 66 मार्क्स आए थे, तो हमने उस तरीके से उसको लिखा है कि जैसे उसमें क्या होता है कि उसने एमसीक्यू में मार्क्स उसके कम आए थे तो एमसीक्यू मार्क्स इंक्रीज होने चाहिए। हम क्या करते हैं कॉपी चेक होती है तो उसमें हर क्वेश्चन के बाद मार्किंग होती है, तो जैसे 15 मार्क्स आए उसके एमसीक्यू में तो उसको एमसीक्यू में जैसे 25 तक इंक्रीज करने की हमारी एडवाइस रहती है। उसके बाद में हर क्वेश्चन है उसके बाद में हमने उसको मार्क्स दिए हैं स्टेप वाइज मार्किंग हुई एकदम आईसीआई पैटर्न के हिसाब से, और कहाँ वो इंप्रूव नहीं कर पा रहा है जैसे कहीं कहीं कमी रह रही है तो वो कैसे इंप्रूव कर सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है इसमें 8 मार्क्स आए, पूरे 8 में से 8 आए हैं, तो हमने उसको लिखा है कि उसको मोटिवेशन के लिए लिखा है, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया कोई चांस नहीं है मार्क्स डिडक्शन का। उसके बाद में ये क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर ऐसे स्टेप वाइज मार्किंग हुई है। उसके बाद में वहां पे लिखा है कि नोट ऑफ डिडक्शंस नॉट गिवन, डिडक्शन का नोट वो नहीं दिया तो उसकी वजह से आधा मार्क डिडक्ट हो गया, 6 में से 5.5 मिले हैं। उसके बाद में जैसे फोर्थ क्वेश्चन आता है उसमें उसने क्या गलती की है, टीडीएस की रेट यहाँ 1.5% है, और उसके बाद में यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट इज ऑलवेज एग्जेम्प्ट, वो जो भी उसको क्लेरिफिकेशन वहाँ नहीं लिख रहा है वो क्वेश्चन में वो हमने यहाँ कमेंट में लिखा है ताकि वो बच्चे को पता चले कि वो कहाँ पे गलत है और वो कैसे इंप्रूव कर सकता है। उसके बाद में लास्ट में हमने जैसे यहाँ पे टोटल मार्क्स दिए हैं, हर क्वेश्चन के बाद में आपको कमेंट मिलेगा, हर क्वेश्चन के अंदर हमने कमेंट लिखा है कि कहाँ से वे इंप्रूव कर सकता है, कि जैसे ही वो इंप्रूव करेगा उसके क्या होगा, बच्चे को पता चलेगा कि वो कहाँ पे कमी है और वो उसको ट्राई करेगा जल्दी से जल्दी इंप्रूव करने का। जिसका एग्जाम नवंबर 20 है हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी मॉक टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करवाएं, तो उससे क्या होगा कि आप जल्दी जल्दी अपनी गलतियां पकड़ पाएंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, किसी और टीचर की या किसी और की अगर मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें मेरी एडवाइस आप को मिनिमम आप 1 से 2 मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, उससे आपको हेल्प होगी। और जो जो बच्चा 3 मॉक टेस्ट सीरीज दे सकता है उससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता, जिसने 3 मॉक टेस्ट सीरीज पूरे लिख दिए ना इसका मतलब वो बच्चे को कोई फेल नहीं कर सकता है।
उसके बाद अब जैसे यहाँ पे पूरी कॉपी चेक होगी, उसके बाद हम क्या करते हैं जब एग्जाम होता है उससे पहले हम बच्चे को एडवाइज करते हैं कि किस तरीके से वो अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। उसके लिए जैसे हमने डीटी का पेपर है तो डीटी के साथ स्ट्रेटेजी क्या है हमारी कि हमने उसको बताया कि किस तरीके से वो अपना जो 1.5 डेज है उसके अंदर सिलेबस कवर करेगा। उसके लिए हमने मार्क्स अलोकेट करके बताए कि टाइम अलोकेट करके बताया कि कौन से चैप्टर को कितना टाइम दो, कौन सी सीक्वेंस में आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद में वो कैसे उसको कंप्लीट कर सकता है। उसमें भी अगर उसको कोई दिक्कत आए, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह उसको लेने हो या फिर कोई चैप्टर जैसे कंप्लीट नहीं हो पा रहा उसको कैसे कंप्लीट करना है, उसकी हम पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको हमारा मॉक टेस्ट सीरीज हमारा पसंद आया तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है और टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे मॉक टेस्ट में रजिस्टर हो सकते हैं। आप मेरा मॉक टेस्ट नहीं तो किसी और का मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम से पहले अगर मॉक टेस्ट जिसने नहीं दिया उसको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही एग्जाम में, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में अपन जाते हैं तो 100 मार्क का एक तो अटेम्प्ट नहीं होता पाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और पता नहीं चलता है किस टाइप के एमसीक्यू आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन को जो इस एक क्वेश्चन होता है जिसको नहीं करना होता है वो लीव करना होता है, तो कैसे उसको अपन पहचानेंगे कौन से क्वेश्चन को लीव करना है। और ये हमने हर पेपर के साथ में हमने क्या नीचे लास्ट में एक ओएमआर शीट अटैच करते हैं आईसीएआई की, तो उससे क्या होता है स्टूडेंट को हेल्प होती है कि वो ओएमआर शीट को देख के उस ओएमआर शीट को वो भरता है तो उसको एग्जाम की तरह फील आता है कि हाँ ओएमआर शीट में जो टाइम लगता है भरने का। इससे क्या होता है नॉर्मल बच्चे क्या कॉपी पे ही वो लिख देते हैं ABCD वो MCQ के आंसर कॉपी में लिखते हैं, तो वो जो गोले भरने का वहाँ पे टाइम होता है वो उसको उनका अंदाजा उनको नहीं होता है। तो हमने क्या है जैसे हमारे जो भी पेपर होंगे जिसमें MCQ है उसके लास्ट पेपर पे हमने जैसे एक जो MCQ की बुक वो जो MCQ शीट है वो अटैच करिए ताकि वो बच्चा जब वो पेपर को प्रिंट करवाएगा तो वो MCQ जो शीट होगी उसमें जब MCQ भरेगा तो उसको उस टाइम का भी अंदाजे के हिसाब से वो उसको कंप्लीट कर पाएगा। हमने एडवाइस करी है स्टूडेंट को कि वो जैसे 3 घंटे हैं तो 3 घंटे में प्रॉपर 3 घंटे में लेना है, और कोई भी अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है पेपर देने में या फिर कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई और पर्सनल डाउट भी आ रहा है तो हम उसको क्लेरिफाई करते हैं, और यहाँ पे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है अगर आप यहाँ मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको अगर मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक में से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।